ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ओडीआई मुकाबले में मोहम्मद सिराज और मोहम्मद समी ने मिलकर उड़ाई कंगारू बल्लेबाजों की धज्जियां। जी हां दोस्तों, आखिरकार मोहम्मद समी और मोहम्मद सिराज ने किस तरह से उड़ाई कंगारू बल्लेबाजों की धज्जियां, बताएंगे आपको आज की इस बेहद ही खास वीडियो में आके। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में रोहित शर्मा भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया का यह फैसला मोहम्मद सिराज ने सही साबित कर दिया। मोहम्मद सिराज ने पारी की दूसरी ही ओवर में ट्रेविस हेड को बोल्ड कर पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। ट्रेविस हेड मोहम्मद सिराज की गेंद को नहीं समझ पाए और वो महज 5 रन बनाकर बोल्ड हो गए। हालांकि इसके बाद मिचेल स्टार्क और स्टीव स्मिथ के बीच एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली। इसी बीच स्टीव स्मिथ को हार्दिक पांड्या ने 22 रन के स्कोर पर चलता कर दिया। एक समय ऑस्ट्रेलिया की टीम 129 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी और मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद मोहम्मद समी और मोहम्मद सिराज के आगे पूरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज घुटनों पर नजर आए। इसके बाद समी ने ऑस्ट्रेलिया को एक के बाद एक दो बड़े झटके दिए। समी ने पहले जॉर्ज इंग्लिस को 26 रन पर बोल्ड किया और इसके बाद कैमरून ग्रीन को भी 12 रन पर बोल्ड कर चलता कर दिया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में मोहम्मद समी और मोहम्मद सिराज ने कुल 3-3 विकेट चटकाए हैं। इन दोनों गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के दम पर ही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को 188 रनों पर रोक दिया है। एक वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़े लक्ष्य की ओर जा रही थी, मगर इन दोनों की घातक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलियाई टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आई और महज 188 रनों पर ऑल आउट हो गई है। मोहम्मद समी और मोहम्मद सिराज के अलावा रविंद्र जडेजा को 2 जबकि हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव के खाते में 1-1 सफलता गई है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।